Dash dash is the major process for absorption of more than 90% of the drugs. इसमें से वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू 90% से भी ज्यादा ड्रग्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं? ऑप्शन ए पैसिव डिफ्यूजन, ऑप्शन बी एक्टिव डिफ्यूजन, ऑप्शन सी ओर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। ओके गाइस, तो ये रहा आंसर, इट इज पैसिव डिफ्यूजन। मैक्सिमम ऑफ द ड्रग जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसमें से 90% से भी ज्यादा ड्रग पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस किस टाइप में आती है? नॉन आयोनिक डिफ्यूजन। मतलब क्या कि जो ड्रग्स नॉन आयोनाइजेबल है, जिन ड्रग्स का आयोनाइजेशन बॉडी में इजिली नहीं होता है, वो सारे ड्रग पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर पाते हैं। सो ये ऐसी प्रोसेस है जो मैक्सिमम ऑफ द ड्रग फॉलो करता है। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो ये प्रोसेस विदाउट एटीपी कंप्लीट होती है, तो यहाँ पे कोई भी एटीपी का नीड नहीं होता है, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज पैसिव इन फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए, दैट इज पैसिव डिफ्यूजन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डैश डैश प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन। इसमें से वो कौन सी प्रोसेस है जिसको हम कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो या फिल्ट्रेशन कह सकते हैं? ऑप्शन ए पैसिव डिफ्यूजन, बी एक्टिव डिफ्यूजन, सी पोर ट्रांसपोर्ट, डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन सी के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है फिर कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। यस, इट इज सही आंसर। ये सही आंसर है, पोर ट्रांसपोर्ट को ही हम बोलते हैं कन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क फ्लो और फिल्ट्रेशन। तो हमने ये सीखा था इस स्लाइड में कि पोर ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, द प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल मूव्स थ्रू स्मॉल पोर। एक छोटे पोर के थ्रू मॉलिक्यूल मूव कर सकता है सेल के अंदर। और एक पॉसिबिलिटी है, जैसे कि इस एनिमेशन में हमने देखा था, ये पर्टिकुलर वाटर का चैनल है, इसके थ्रू वाटर अंदर जाता है, बट उस वाटर के साथ ड्रग मॉलिक्यूल भी अंदर जा सकता है। दैट इज फर्स्ट मोड ऑफ पोर ट्रांसपोर्ट। बट सेकेंड मोड इज पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। दो सेल्स के बीच में भी एम्प्टी स्पेस होती है, तो कुछ ड्रग मॉलिक्यूल्स इस एम्प्टी स्पेस का यूज करके भी सेल के अंदर, सॉरी टिश्यू के अंदर आ सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज पोर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। तो वाटर सोल्युबल मॉलिक्यूल्स जनरली इस मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, दैट्स व्हाई पोर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इज करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट इन स्पर्म्स? स्पर्म्स के अंदर कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए ग्लूट 1, ऑप्शन बी ग्लूट 2, ऑप्शन सी ग्लूट 4, ऑप्शन डी ग्लूट 5। रवीना गड़बड़ हो गई ना। सी इट्स ग्लूट 5। ग्लूट 5 के अंदर, ग्लूट 5 जो ट्रांसपोर्टर है वो स्पेसिफिकली स्पर्म्स के अंदर होता है। तो ये हमने देखा था इस टेबल के अंदर। ग्लूट 1 इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द सेल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है ग्लूट 1 उसके अंदर होता ही है। ग्लूट 2 स्पेशली लोकेटेड इन लिवर सेल्स, स्पेशली बीटा सेल्स, हाइपोथैलेमस, बेसोलैटरल मेम्ब्रेन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ग्लूट 3 प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स, प्लासेंटा, टेस्टिस एंड ब्रेन। ग्लूट 4 इज लोकेटेड इन स्केलेटल, कार्डियक एंड फैट सेल्स, और यहाँ पे हमारा इंसुलिन मेनली काम करता है। बाकी चार लोगों को इंसुलिन की उतनी जरूरत नहीं होती है, बट ग्लूट 4 को इंसुलिन की जरूरत है। ग्लूट 5 इज लोकेटेड इन स्पर्म्स, किडनी एंड म्यूकोजल सरफेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, दैट इज ग्लूट 5। चलो आगे जाते हैं। द ड्रग मॉलिक्यूल मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ द लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एटीपी एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑप्शन ए पैसिव डिफ्यूजन, ऑप्शन बी एक्टिव डिफ्यूजन, ऑप्शन सी पोर ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखो एटीपी का यूज हो रहा है ना, तो कौन सा डिफ्यूजन प्रोसेस यूज होगा?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बहुत बच्चे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है फिर कंप्यूटर महाशय, सही आंसर दिखा दीजिए। यस इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, हाँ इट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये हमने देखा था इस प्रेजेंटेशन में, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, ड्रग का मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन तक हो सकता है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बट वहां पे एटीपी की नीड होती है, यहाँ पे एटीपी का यूज किया जाता है टू अलाउ दैट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हाइयर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये प्रोसेस आपको कहाँ पे दिखेगी, सिंपेथामिमेटिक अमाइंस इन न्यूरल टिश्यू, कोलिन एंड कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ द कोलिन इनटू कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ लेवोडोपा फ्रॉम द इंटेस्टाइन। ये कुछ केसेस है जहां पे लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन तक जाना है तो आपको एटीपी का यूज करना पड़ेगा। चलो आगे जाते हैं। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ओके व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स आर सच दैट बोथ सॉल्यूट्स मूव्स इन सेम डायरेक्शन देन द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, रिपोर्ट, एंटीपोर्ट, यूनिपोर्ट, नन। ओके एक को लॉक कर दू, ठीक है फिर कंप्यूटर महाशय एक ऑप्शन को लॉक कर दे। यस इट इज सिंपोर्ट, जब भी कोई मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है जिसको हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में डिस्कस किया था, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो जब एटीपी का यूज करके मॉलिक्यूल अगर अंदर जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्चुअली एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इन दैट दैट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बट इफ वी डिस्कस अबाउट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट देन ओके रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हाँ सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हाट, इस प्रोसेस में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो भी है उस वक्त मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर लेता है तब उसको हम बोलते हैं सिंपोर्ट और को ट्रांसपोर्ट, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है देन इट इज कॉल्ड एज एंटीपोर्ट और एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट। तो हमने क्या बोला था, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स आर सच दैट बोथ द सॉल्यूट्स मूव इन सेम डायरेक्शन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिंपोर्ट, जब मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तब उसे हम बोलते हैं सिंपोर्ट, जैसे कि हमने इस एनिमेशन में देखा था राइट। अब मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, देन एंटीपोर्ट में हमने क्या देखा, मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है दैट इज कॉल्ड एज एंटीपोर्ट मैकेनिज्म, एंड यूनिपोर्ट मतलब एक मॉलिक्यूल एक तो अंदर आता है नहीं तो बाहर जाता है दैट इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट, मूवमेंट ओनली इन सिंगल डायरेक्शन ओनली दैट इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट मैकेनिज्म। ठीक है ओके ठीक है अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पूरा 60 सेकंड्स खेलते हैं, रिलैक्स सबको मौका मिलेगा आंसर देने का ठीक है। चलो लो क्वेश्चन नंबर 6, 60 सेकंड्स है आपके पास, देखो विच फॉर्म ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब्स क्विकली इन द बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर इनमें से कौन सा फॉर्म क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, ऑप्शन ए पाउडर्ड फॉर्म, ऑप्शन बी ग्रैन्यूल फॉर्म, ऑप्शन सी लिक्विड फॉर्म, ऑप्शन डी जेल फॉर्म। अब ढूंढो इसमें से वो कौन सा फॉर्म होगा कि जो आपके बॉडी में बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। अब दिमाग लगाना है, पाउडर है मतलब सॉलिड है, ग्रैन्यूल है मतलब सॉलिड है, लिक्विड ठीक है एक अलग फॉर्म बनता है, जेल फॉर्म है तो वहां पे लिक्विड प्लस पॉलीमर का कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें से आंसर क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी लिक्विड फॉर्म, क्योंकि मॉलिक्यूल जितने नजदीक होते हैं उनको टूटने के लिए टाइम लगता है, सो सॉलिड है तो टूटने के लिए टाइम लगेगा, लिक्विड है थोड़े दूर दूर है और गैस है तो एकदम दूर है, तो एब्जॉर्प्शन स्पीड से कहां पे होता है, गैस में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, उससे कम सॉलिड में होता है, सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी लिक्विड फॉर्म। ओके चलो नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग That reaches the systemic circulation in unchanged form is called as what? अगर आपके systemic circulation में जो भी drug आता है उस process को आप क्या बोलते हो? Amount of drug that reaches to the systemic circulation in unchanged form, bioequivalence, bioavailability, absorption या all of the above? देखो सोचो ये कौन सी प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द ड्रग आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में आ जाता है इन अनचेंज्ड फॉर्म,
करेक्ट आंसर इज बायो अवेलेबिलिटी. राइट, तो एब्जॉर्प्शन एंड बायो अवेलेबिलिटी नियरली इक्विवेलेंट, नियरली इक्विवेलेंट. बहुत इजी है क्वेश्चंस. राइट, अब देखो द रेट एंड एक्सटेंट, एक वर्ड हमने यहाँ पे मिस किया है. द रेट एंड एक्सटेंट टू विच ड्रग एंटर्स इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म, इट कंप्लीट्स द डेफिनेशन ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी. ठीक है, चलो. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. ओके, उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं. द रेट एंड एक्सटेंट टू विच एडमिनिस्टर्ड ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज फॉर्म इज कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी. तो ये डेफिनेशन हमने क्लियर कर ली थी. बस बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कौन करता है? आपके लिवर का मेटाबॉलिज्म. अगर लिवर के अंदर कुछ ड्रग एंटर कर पाता है तो लिवर के एंजाइम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. और जो आईवी रूट से आप एडमिनिस्टर करते हो उसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है 100%. ठीक है, सो याद रखना बायो अवेलेबिलिटी आपके इफेक्टिवनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. चलो, देन बायो इक्विवेलेंस, मतलब दो मेडिकामेंट्स हैं, दो अलग अलग कंपनीज ने बनाए हैं, लेकिन दोनों के अंदर मेडिकामेंट एक ही है, कंपनीज अलग अलग है, और दोनों डोसेज फॉर्म में जो वेरियंस है वो कितना है? लेस देन 20%. देन यू कैन कॉल इट एज बायो इक्विवेलेंट मेडिकेशंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग डज नॉट बाइंड टू द अल्ब्यूमिन, इनमें से कौन सा ड्रग अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड नहीं करता है? फेनिटोइन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड्स, मिथाडोन. ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चे ऑप्शन डी के साथ जाना चाहते हैं. ठीक है, तो देखते हैं. यस, इट इज मिथाडोन. तो ये लिस्ट हमने यहाँ पे देखी थी. राइट, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, कौन से ड्रग अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करते हैं और कौन से ड्रग हमारे अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड करता है. इसमें से बारबिट्यूरेट, बेंजोडाइजेपिन, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, वैलप्रिक एसिड, फेनिटोइन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, सिट्रासाइक्लिन, टोलबुटामाइड, वारफेरिन, ये सारे अल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर सकते हैं. एंड अल्फा वन एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ इतने सारे ड्रग है. इसमें से जो मिथाडोन था ये हमने ऑप्शन में रखा था. दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. चलो आगे जाते हैं. अब यहां से आगे जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े दिमाग लगाने हैं कि अभी तक हमने इतना इजी देखा था तो सच में वो इतना इजी है क्या? अब एप्लीकेशन पार्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अब लगाओ दिमाग, इसमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? अब देखते हैं. अब देखते हैं, अब दिमाग को यूज करना है. खोलो दिमाग के पत्ते सारे, खोलो सारे स्क्रू ढीले करो, देखो ओपन करो कहाँ पे हो सकता है आंसर. एक्सचेंज एक्सचेंज एक्सचेंज, और यहाँ पे है एटीपीज. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम किसका यूज करते हैं? एटीपी का यूज करते हैं. दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. समझे? एटीपी का यूज करेंगे मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एटीपी. हो गया ना काम खत्म. चलो नेक्स्ट. द गैसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय. कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो हम लोग इनहेल करते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू डिफ्यूज होता है? प्राइमरी डिफ्यूजन, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, स्पेसिफिक गैस ट्रांसपोर्ट, या सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव डिफ्यूजन, जैसे कि हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जब हम एयर को इनहेल करते हैं, इनहेल्ड एयर में ज्यादा ऑक्सीजन है, कम कार्बन डाइऑक्साइड है. ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक मूवमेंट होता है. दैट इज कॉल्ड एज पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस. तो आपके बॉडी के अंदर जो गैसेस का ट्रांसफर होता है वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा, थ्रू लिपिड बाइलेयर. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. चलो आगे देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर्स मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इसमें से वो कौन सी प्रोसेस है जिसके अंदर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जरूरत होती है? पिनोसाइटोसिस, दैट इज कॉल्ड एज सेल ड्रिंकिंग मैकेनिज्म. एक्सोसाइटोसिस, ये आपने लाइसोजाइम फंक्शन में देखा है. फैगोसाइटोसिस, दैट इज सेल ईटिंग मैकेनिज्म. एंड डी, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस. बोलो.
देखो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन्स इसमें से किस प्रोसेस में इन्वॉल्व्ड है? ओके, बहुत बच्चे ऑप्शन डी के साथ जाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, लॉक कर देता हूं। यस एग्जैक्टली, इट इज रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब ड्रिंक, फैगोसाइटोसिस मीन टू ईट, एक्सोसाइटोसिस मतलब क्या? आपकी जो ये सेल है, सेल के अंदर अगर कुछ मटेरियल प्रेजेंट है वो सेल के बाहर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। जैसे कि आप कह सकते हो न्यूरोट्रांसमिशन टेक्स प्लेस थ्रू एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस सिंपली। सो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस मतलब क्या? अब जो कोरोना का वायरस हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, कैसे? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, हमारे लंग्स के अंदर जो सेल्स है उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स है इसके साथ वायरस बॉन्ड बनाता है और फिर वो वायरस हमारे सेल के अंदर एंटर कर पाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। समझे? दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलो आगे जाते हैं। इरिथ्रोसाइट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? इरिथ्रोसाइट आरबीसी के अंदर जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है वो किस ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म में आता है? आयन ड्राइवन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सिंपल डिफ्यूजन? लगाओ दिमाग अभी। इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी के अंदर जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होते हैं ना, कि वो किस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस का यूज करेंगे? डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन या आयन ड्राइवन एक्टिव ट्रांसपोर्ट? अब यहाँ पे गलती क्या होगी? देखो जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आना है तो वो अकेला नहीं आ सकता, उसको किसी ना किसी ट्रांसपोर्टर की मदद लेनी पड़ती है। मतलब वो फैसिलिटेशन करेगा, फैसिलिटेटेड मतलब किसी की मदद लेके, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यस, वो कैरियर की मदद लेगा। इट इज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब समझे बच्चों, यहां से आपकी एक्चुअल एमसीक्यू प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। तो अभी मेरा सजेशन है, कंसिस्टेंसी जितनी रहेगी उतना आप ज्यादा परफॉर्म करोगे। बीच में अगर क्लास को छोड़ोगे, एक दो लेक्चर मिस करोगे तो फिर आपको कुछ नहीं समझेगा। चलो आगे जाते हैं। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर किसका एग्जाम्पल है? सिंपोर्ट, एंटीपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या एटीपी ड्राइवन एक्टिव ट्रांसपोर्ट? द सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? जब भी ग्लूकोज को अंदर आना है सोडियम चैनल की मदद लेके, तो उस केस में सिंपोर्ट होता है, एंटीपोर्ट होता है, कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन होता है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है एटीपी की मदद लेके? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, इट इज सिंपोर्ट। जब भी ग्लूकोज को सेल के अंदर आना है तो उस केस में जो ट्रांसपोर्टर है वो सोडियम प्लस ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर होता है। तो इस केस में सोडियम आयंस एंड ग्लूकोज साथ में अंदर आते हैं, दैट्स व्हाई दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सिंपोर्ट। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आने वाले जो मैंने अभी तक पूछे थे ना, वो नहीं आएंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट दिमाग में पक्का है तो फिर ये आप समझ पाओगे। समझे? चल आगे जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेल एक्सपेल्स लार्ज मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ इट? अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को यूज करो, इसमें से वो कौन सी प्रोसेस है जिसमें सेल अपने अंदर का मटेरियल बाहर भेजती है? फैगोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस या डिफ्यूजन? बोलो बच्चे लोग, कौन सी प्रोसेस है जिसमें सेल अपने अंदर का मटेरियल बाहर निकालती है? फैगोसाइटोसिस मतलब इट, एक्सोसाइटोसिस क्वेश्चन मार्क, एंडोसाइटोसिस मतलब इन, डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ द मटेरियल फ्रॉम हाइयर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन? यस, द करेक्ट आंसर इज एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस जो हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, इन केस ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टर ओनली वन ओके विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर ट्रांसपोर्ट्स ओनली वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट? इसमें से कौन सा ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है जो जो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल को एक डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए मदद करेगा? ऑप्शन ए यूनिपोर्ट, ऑप्शन बी सिंपोर्ट, ऑप्शन सी
एंटीपोड, ऑप्शन डी मेम्ब्रेन प्रोटीन। थोड़ी देर पहले हमने यही तो डिस्कस किया था, इट इज यूनिपोर्ट। करेक्ट है आपका आंसर। तो बताओ